वैक्सीन को लेके भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति पर आतुर है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार फ्री में लगाएगी और 1 तारीख से वैक्सीन लगने की काम की तैयारी होनी थी, 1 तारीख से वैक्सीन लगना था। हम सभी तैयारी को जमीनी स्तर पर हम लोगों ने चालू कर दिया। सरकार हर स्तर पर जमीनी स्तर पर कैसे कहाँ वैक्सीन सेंटर होंगे, कैसे सेंटर की वहाँ पर काम होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, उसके जागरूकता अभियान कैसे चलाएंगे, ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी। लेकिन जो कंपनियां हैं अब वो वैक्सीन हमको 1 तारीख तक नहीं देना चाहती। सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हो गई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी वैक्सीन आएगी उसके पूरे डॉक्यूमेंट उन कंपनियों में जमा हो गए, बातचीत हो गई, लेकिन वो 1 तारीख को वैक्सीन हमको मिलने वाली नहीं है। 1 तारीख को वैक्सीन नहीं मिलेगी, इसका मतलब वैक्सीन छत्तीसगढ़ के लोगों को लगने में थोड़ा लेट होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ, माननीय रमन सिंह जी से, सरोज पांडे जी से और 9 सांसद हैं यहाँ के, कि वो चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहां पर पहुंचा के दे ताकि हम यहां के लोगों को वैक्सीन लगवा सकें।